दो तारीख 2022 को लिस्ट हुआ और इशू प्राइस भी यही थे 548 से लेकर 570 तक, और उसके बीच में ये प्राइस चल रहा है और ऊपर के लेवल 612 दिखाया वहां से करेक्ट हुआ हुआ है, तो इसलिए स्टॉक को वापस से आज मैं लिया हूं। और गजब की कंपनी है, मतलब इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात है कि लीडिंग सप्लायर है ऑफ हाईवे जो व्हीकल्स होते हैं उसके जो कंपोनेंट्स बनते हैं, तो एक तरीके से कैपिटल गुड्स के जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, इंफ्रा पे अगर स्पेंडिंग की बात होती है, तो इन सब का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी रहती है। और जिस तरीके का मैं अभी इनका प्रेजेंटेशन भी देख रहा था, क्रेडिट रेटिंग्स भी देख रहा था, तो बहुत गजब है। इंडिया बेस्ड एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर कंपनी, अपने वेबसाइट में अपने आप को बोलते हैं कि मैं हम लोग इंडिया बेस्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर इंजीनियरिंग इंजीनियर्ड सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस के, तो अच्छा खासा इनका अलग अलग जगह ये लोग ऑपरेट करते हैं। 6 करीब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 4 करीब वेयरहाउसिंग लोकेशंस है इनके यूएस यूरोप और इंडिया अक्रॉस, तो इस तरीके का एक ग्लोबल इनका प्रेजेंस है। और कंपनी बहुत पुरानी है, 1994 से कंपनी कार्यरत है और कंपनी ने कुछ कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं, कुछ कुछ मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चीज किए हैं, और इनफैक्ट जॉन डेयर के साथ भी इन्होंने सेल्स का टाई अप किया हुआ है, फिर स्पेन यूएसए ये सब में। तो इस तरीके से अब कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है और फंडामेंटल्स भी बहुत गजब के हैं, और मैं कंपनी का सबसे बढ़िया बात है कुछ हाई मार्जिन और लो वॉल्यूम गेम्स में है कंपनी, इसलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया है। और ऑलमोस्ट जो ये 3PL और PMP जो ये कंपोनेंट्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स है, इनमें इनकी मार्केट लीडरशिप है। और कंपनी एक तरीके से एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट्री CFM बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग सेगमेंट्स, इन सब में बहुत बढ़िया एक पेड़ जमा रखी है। और अब मैं अगर इनके फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो 15 के PE मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता मुझे, 30 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 27 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 1.5% के लगभग कंपनी डिविडेंड यील्ड देती है विच इज अगेन वेरी इंप्रेसिव, और फिर 34% की पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर रही है। और मैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा था, दे आर अराउंड 24% विच इज अगेन वेरी गुड, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 14% के लगभग। और दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 में अगर रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो 44 करोड़ के सामने 56 करोड़ का पैट था, तो यानी कि 170 करोड़ का TTM बेसिस पे कंपनी ने 2022 में मतलब प्रॉफिट्स कमाए हैं। और अब देखते हैं कि अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 66% शेयर होल्डिंग है, कुछ OFS भी इन्होंने किया था अभी रिसेंटली, तब निकला था इनका शेयर होल्डिंग। और FIIs DIIs अगर देखें तो करीब 18%